मिश्रा और आप देख रहे हैं कानूनी जरूरत चैनल। चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की तरफ। पास पुलिस ने एक ऑटो से किया 116 बोतल विदेशी शराब बरामद। भागलपुर के बाईपास टीओपी थाना अध्यक्ष ओम प्रकाश के नेतृत्व में पुलिस ने छापेमारी कर शाम करीब 5 बजे एक ऑटो से 116 बोतल विदेशी शराब बरामद किया। हालांकि तस्कर और लाइनर मौके से फरार होने में सफल रहे। जानकारी के मुताबिक झारखंड से तस्करी कर एक ऑटो से शराब की खेप लाई गई थी। गुप्त सूचना पर पुलिस ने कजरैली बाईपास से ही पीछा करते हुए मधुसूदनपुर इलाके के रामपुर गांव स्थित एक बगीचा से शराब लदा ऑटो जब्त कर बाईपास टीओपी लाया। ऑटो की जांच में रॉयल प्लेयर विदेशी ब्रांड के शराब 375 ml का 100 बोतल और 750 ml 16 बोतल मिला। कुल मिलाकर 49.50 लीटर विदेशी शराब जब्त। आज दिनांक 12/6/22 को एक गुप्त सूचना मिला कि एक बिना नंबर प्लेट के टेम्पो पे आज झारखंड से इंग्लिश लिकर जो है वो सप्लाई करने जा रहे थे शहरी क्षेत्र में भागलपुर के, और इस गुप्त सूचना को सत्यापन किया गया और टीओपी बाईपास SHO को त्वरित टीम में शामिल किया गया, उनसे सत्यापन किया गया और हमारी टीम ने इस टेम्पो का पीछा किया। और ये जो है टीओपी बाईपास के साइड से टेम्पो लाने वाला था, लेकिन उन्होंने जैसे ही पता चला कि पुलिस जो है उस टेम्पो के पीछे है, उन्होंने कजरैली का रास्ता अपनाया फुलवैया से और वहाँ पर वो कजरैली के थ्रू जो है NH-80 पकड़ के ये रामपुर गांव है वहाँ पे पुलिस ने इसको एक बगीचे में दो लोग भागने में कामयाब रहे, एक लाइनर भी था उसमें, हम लोग ने चिन्हित कर लिया है उसको और शीघ्र अतिशीघ्र जो है उनकी गिरफ्तारी होगी। ये रॉयल प्लेयर नाम का ब्रांड है और 49.5 लीटर जो है शराब बरामद हुआ है, 750 ml का 16 बोतल है और 375 ml का 375 ml का 100 बोतल इसमें रेड में पकड़ा गया। कहाँ से चला था ये माल? देखिए झारखंड से चला था और जैसे ही गिरफ्तारी होगी इसका हम लोग बैकवर्ड फॉरवर्ड जो है जो हम लोग इसको एनालाइज करके त्वरित हम लोग गिरफ्तारी करें, चिन्हित कर लिया गया है छोटे हम लोग एक दो दिन के अंदर। इस संबंध में DSP विधि व्यवस्था डॉक्टर गौरव कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि तस्कर और लाइनर को चिन्हित कर लिया गया है और शीघ्र ही आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट।